तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पहला एक्सेस कंट्रोल मेथड है जिसमें हम हर एक स्टेशन को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देते हैं जैसे कि टी नाट टाइम में सिर्फ स्टेशन ए ही डेटा सेंड करेगा टी वन टाइम में सिर्फ स्टेशन बी ही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है टी टू में सिर्फ स्टेशन सी एंड सो ऑन बी स्टेशन किसी और टाइम स्लॉट में डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता टी नाट में भी नहीं टी टू में भी नहीं सिर्फ टी वन में ट्रांसमिट करेगा और ऐसे ही सबके लिए ट्रू है अब इसमें हम हर एक स्टेशन को कितना टाइम अलॉट करें तो हर एक स्टेशन को उतना टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना डेटा ट्रांसमिट और प्रोपोगेट दोनों कर पाए यानी अपना डेटा वो लिंक पे रख पाए और वो लिंक से प्रोपोगेट करके रिसीवर के पास पहुंच पाए तो जो टोटल टाइम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में वो टी स्लॉट इतना होता है टी टी प्लस टी पी तो इसकी एफिशंसी कितनी हुई एफिशियंसी हुई यूज़फुल टाइम डिवाइडेड बाई साइकिल टाइम तो यूजफुल टाइम हुआ टी टी क्योंकि उतने में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और साइकिल टाइम हुआ टी टी प्लस टी पी क्योंकि हर स्टेशन को इतना अलॉट होगा और हर स्टेशन को इतना यूजफुल होगा